हेलो गाइस, वेलकम है तुम्हारा मेरे चैनल पे। तो आज मैं बताने वाला हूँ टॉप 10 एडवेंचर एनिमेज के बारे में। तो पहले नंबर पर है मैगी द लैबरिंथ ऑफ मैजिक। तो ये एनिमे हल्का फुल्का बेस्ड है या फिर आप कह सकते हो कि इंस्पायर्ड है 1001 नाइट से। यह एनिमे भरा हुआ है एडवेंचर से। इसमें आपको मिथिकल क्रिएचर्स और डेंजरस क्वेस्ट फॉर केव्स और उनके अंदर छुपे खजाने को कैप्चर करने के एडवेंचर पर ले जाती है। इसके 2 सीजन्स अभी तक आ चुके हैं और दोनों में 25-25 एपिसोड्स हैं। IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.8। 2 नंबर पर है वन पीस। तो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है मंकी डी लूफी। मंकी डी लूफी कैप्टन है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का, जो कि हमेशा नए नए जगह और एडवेंचर पे जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और इसका अल्टीमेट गोल है वन पीस ट्रेजर को ढूंढना, जो सिर्फ उसी को मिल सकता है जो उस ट्रेजर के काबिल है। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग एनिमे है। इस एनिमे के मोर देन 23 सीजन्स आ चुके हैं विद एन एपिसोड काउंट ऑफ मोर देन 930 एपिसोड्स। इसकी IMDb रेटिंग है 8.7। 3 नंबर पर है योना ऑफ द डॉन। तो यह एनिमे की मेन कैरेक्टर है द बैनिश प्रिंसेस ऑफ योना, जो कि अपने बॉडीगार्ड हाक के साथ एक एडवेंचर पे निकलती है इन ऑर्डर टू फाइंड हर अ प्लेस इन द वर्ल्ड एंड टू रिक्लेम हर लॉस्ट किंगडम। यह एडवेंचर में काफ़ी सारे डेंजर्स और सुपर नेचुरल बींग्स हैं जिनसे इनका सामना होगा। तो यह एनिमे का 1 सीजन अभी तक रिलीज हुआ है, जिसमें 24 एपिसोड्स हैं और 2 OVA एपिसोड्स हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1। 4 नंबर पर है फेरी टेल। तो फेरी टेल नाम है एक विजर्ड एसोसिएशन का, जहां पर उसके मेंबर्स को क्वेस्ट को पूरा करने और मैजिकल पावर्स यूज़ करने पे पॉइंट्स मिलते हैं। ये एक लॉन्ग रनिंग एनिमे है, जिसका कंपैरिजन इमेंसली पॉपुलर एनिमे नारुतो, वन पीस और ब्लीच के साथ किया जाता है। इस एनिमे के 9 सीजन्स अभी तक रिलीज हुए हैं विद एन एपिसोड काउंट ऑफ 328। इसकी IMDb रेटिंग है 8.0। 5 नंबर पर है सामुराई चाम्पलू। ये एनिमे बेस्ड है 2 सामुराई पे हु हैव एग्जैक्टली अपोजिट पर्सनैलिटीज़ एंड फाइटिंग टेक्निक। तो इन दोनों से एक फू नाम की वेट्रेस रिक्वेस्ट करती है कि वो दोनों उसके साथ उसके एक दोस्त को ढूंढने चलें, जिसे वो काफ़ी सालों से खोज रही है। और इस जर्नी पे उनका क्या इंतज़ार कर रहा है, ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इसका अभी तक 1 सीजन रिलीज़ हुआ है विद 26 एपिसोड्स। IMDb पे इसकी रेटिंग है 8.5। 6 नंबर पर है स्पाइस एंड वुल्फ। तो ये एनिमे बेस्ड है ऑन होलो, जो कि एक गॉडेस है जिसके बारे में सब लोग भूल गए हैं। तो ये होलो एक लोकल मर्चेंट जिसका नाम क्राफ्ट लॉरेंस है, उसके साथ मिलती है और उसकी बिजनेस पार्टनर बन जाती है। वो एक जर्नी प्लान करते हैं, पर उस जर्नी पर सब वैसे स्मूथ नहीं जाता जैसे प्लान किए रहते हैं। इसके 2 सीजन्स अभी तक रिलीज हुए हैं और दोनों मिला के अराउंड 25 एपिसोड्स हैं। IMDb पे इसकी रेटिंग है 8.1। 7 नंबर पर है सोल ईटर। सोल ईटर फॉलोज द एडवेंचर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डेथ वेपन मेस्टर एकेडमी। तो इस एकेडमी में 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो अपने आप को वेपन्स में बदल सकते हैं और एक जो उस वेपन्स को यूज़ कर सकते हैं। जो वेपन्स को यूज़ करते हैं उन्हें मेस्टर्स बोलते हैं। इन मेस्टर्स का एम होता है कि वो 99 ईविल ह्यूमन सोल और एक विच सोल को कलेक्ट करें, ताकि उनका ह्यूमन वेपन एक डेथ साइथ बन जाए। इस एनिमे में 51 एपिसोड्स हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 7.9। 8 नंबर पर है द 7 डेडली सिंस। तो ये एनिमे फॉलो करता है एलिजाबेथ, जो कि 3rd प्रिंसेस है किंगडम ऑफ लायनेस की, एंड शी इज़ इन सर्च ऑफ 7 डेडली सिंस, जो कि एक ईवल ग्रुप है होली नाइट्स में, जिन्होंने अपने कॉमरेड्स को बिट्रे किया था और किंगडम पे कूप डिटा प्लान किया था। तो वो अपने दोस्तों की मदद से सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करके उनके सर्च पे लगी है। इसके अभी तक 4 सीजन्स रिलीज हुए हैं, हर सीजन में अराउंड 24 एपिसोड्स हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1। 9 नंबर पर है मुशीशी। ये एक स्लो पेस्ड एडवेंचर एनिमे है, पर इसके विजुअल्स बहुत ब्यूटीफुल हैं और उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है इसमें जो लोगों के इनर डिज़ायर्स और लाइफ स्टोरीज के बारे में बातें की गई हैं। गिंको इज़ द मेन कैरेक्टर, जो एक ट्रैवलर और रिसर्चर है, जो स्ट्रेंज बींग्स कॉल्ड मुशी पे रिसर्च कर रहा है। इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है टू फाइंड द ओरिजिन ऑफ मुशी। बहुत ही हार्ट वार्मिंग एनिमे है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। इस एनिमे के 2 सीजन है कंटेनिंग 20 एपिसोड्स ईच। इसकी IMDb रेटिंग है 8.5। 10 नंबर पर है डिजिमॉन एडवेंचर। तो ये एनिमे बेस्ड है कुछ स्कूल किड्स पे, जो एक डिजिटल वर्ल्ड को फाइंड करते हैं जहाँ पर डिजिमॉन नाम के क्रिएचर्स रहते हैं और उनको कुछ स्पेशल डिवाइसेस से कंट्रोल किया जा सकता है। तो अभी ये क्रिएचर्स उनके बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे और उनको एक जर्नी ऑफ लाइफ टाइम पर ले जाएंगे। इसके 6 सीजन्स अवेलेबल हैं और हर सीजन में अराउंड 50 एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.3। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।